हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहले भी हमने ये चैप्टर पूरा बनाया हुआ है और इसके पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो मैं ट्रिक सिखाऊंगी आज आपको एक चार्ट के थ्रू, जिसमें आपको कभी भी अगर बड़ा क्वेश्चन 3 या 4 नंबर में आएगा कभी भी उसमें मिस्टेक नहीं होगी, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, आप देख। नरेन गिव फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। एक्सपेंसेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन करी है। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। फाइंड द नेट इनकम और प्रॉफिट ऑफ नरेन, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। पहले हम क्या करेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से आपका आंसर निकालेंगे। बट कैश बेसिस से हो या एक्रुअल बेसिस से हो, तो आपको दोनों ही मेथड से कभी भी आंसर आपको निकालना है। तो आप एक चार्ट फॉलो करोगे, उस चार्ट के यूज से आप एक्यूरेट एकदम आंसर निकाल सकते हो। वो चार्ट क्या होगा, यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, एक साइड आप क्या लिख लोगे, इनकम। क्या लिखोगे, इनकम। और एक साइड आप लिखोगे एक्सपेंसेस। यहाँ पे ऐसे पार्टीशन कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा, और यहाँ पर हम मेथड के थ्रू हम आंसर निकालेंगे। अब इनकम जो होगा और एक्सपेंसेस होगा, दोनों में ही आप क्या करोगे, ऐसे रिसीव। देखो इनकम क्या होती है, रिसीव्ड होती है, और या फिर नॉट रिसीव्ड, कि जो आपको रिसीव नहीं हुई है। एक कॉलम बनाओ रिसीव और एक बनाओ नॉट रिसीव का। ऐसे ही एक्सपेंसेस का बनाएंगे हम, एक बनाएंगे पेड और एक बनाएंगे नॉट पेड। तो बस अब इसी चार्ट में हम फिल करेंगे अपनी जो जो चीज हमें दी हुई है। सबसे पहले आपको क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेड। क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेड कितने हैं, 1,80,000। तो कौन से एक्सपेंसेस की बात हुई है, तो पेड के नीचे आप लिख दोगे 1,80,000। तो यहां पर लिखेंगे 1,80,000। नेक्स्ट आपको दिया है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, अपनी अपनी बुक में भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर के लिए। जब भी आप कोई एक्सपेंसेस के आगे एडवांस लिखा है तो वो मतलब इस साल का नहीं है, जो हमारा ईयर चल रहा होता है उसको करंट ईयर बोलते हो, और एडवांस हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए होता है। अब ब्रैकेट में आपको लिखा था कि नॉट इंक्लूडेड इन अबव, मतलब जो आपने ये एक्सपेंसेस पे किए थे ना, ये वाले एक्सपेंसेस पे किए थे, इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है, अलग से है। कितने, 20,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000। अब एक चीज और, कि ये जो 20,000 है वो किसके थे, यहाँ पे लिख दोगे एन वाई, एन मतलब नेक्स्ट, वाई मतलब ईयर, नेक्स्ट ईयर के हैं ये। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, मतलब नॉट पेड, मतलब अभी पे नहीं करे। अब ये तो हमने वैसे ही चार्ट समझाने के लिए बनाया, हालांकि आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो। नॉट पेड को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। नॉट येट पेड 10,000, तो इसके नीचे आ जाएगा ये वाला कितना, 10,000। ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस का। अब एक चीज और, अब बाद में एक चीज बताएंगे, अब पहले इनकम वाला आ जाता है। इनकम रिसीव क्या है, इनकम रिसीव 2,40,000, तो किधर आएगा, इसके नीचे आएगा। इनकम रिसीव इसके नीचे डाल देते हैं 2,40,000। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर की हमें मिल गई है, 15,000 है। और इसके साथ आपको लिखा था इंक्लूडेड इन अबव, मतलब ये जो 2,40,000 है ना, इसी के अंदर 15,000 इंक्लूड है। तो जब ऐसा होता है तो आप इसके ऐसे दो बना लो, मतलब 15,000 अलग कर दो और इसको अलग कर दो, मतलब टोटल 240 मिले हैं, उसमें से 2,25,000 जो है वो इसी ईयर के हैं, और जो 15,000 के आगे आप लिख दो ये किसके हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं। क्लियर हो गया, तो ये वाला कौन सा हो गया, करंट ईयर, क्योंकि सिंपल सी चीज है, आपने टोटल 2,40,000 रिसीव हुए हैं, 15,000 नेक्स्ट ईयर के इसी के अंदर इंक्लूड थे, और आपके जो बाकी बचेंगे वो इसी ईयर के होंगे, करंट ईयर के होंगे। नेक्स्ट हो जाता है इनकम नॉट येट रिसीव, जो अभी मिली नहीं है वो नॉट रिसीव, इसके नीचे आ जाएगा 12,000।
अब ये हमने पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर ली। अब एक चीज, जहां पर आपको उसने बोला था कि नोट येट रिसीव, मतलब नोट येट रिसीव मतलब जो मिली नहीं, जो हमने यहाँ डाल दिया नोट येट पेड, वो हमने यहाँ डाल दिया। जहां पे एडवांस वर्ड लिखा था वहां पे हमने क्या लिख दिया, नेक्स्ट ईयर। एडवांस का मतलब हमेशा नेक्स्ट ईयर होता है। अब जहां पर जिस भी अमाउंट के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ मेंशन नहीं था, वहां पर आप क्या लिख दोगे, करंट ईयर। C4 करंट, Y4 ईयर। इसका एक क्या यूज है मैं भी आपको बताऊंगी। जिस भी अमाउंट के साथ बच गया वो करंट ईयर हो जाएगा, और जो हमने नेक्स्ट ईयर पहले लिख लो, बाकी जो भी बचेंगे वो करंट ईयर हो जाएंगे। इसके साथ भी कुछ नहीं मेंशन था तो ये भी CY करंट ईयर, ये करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर, सबके आप सामने फिल हो गया। अब हम यूज करेंगे अपना मेथड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से क्या बनाएंगे, कैश बेसिस। सबसे पहले कैश बेसिस का हमें क्या करना है, हमें उसका रूल लिखो। कैश बेसिस का रूल क्या होता है, हमारा जो रूल होगा, हमें क्या लेना है, रिसीव्ड और पेमेंट। रिसीव्ड वाला और पेमेंट वाला, पेड वाला, बस। हमें क्योंकि नेट इनकम निकालनी है तो हमें कौन कौन से, ये चार्ट हमने बना लिया, रिसीव्ड और पेड वाला लेना है। मतलब जो कैश बेसिस का होगा, जिसमें नोट रिसीव्ड वाला कॉलम होगा, आप इसको भी ऐसे पार्टीशन कर दो, ऐसे ऐसे पार्टीशन कर दो, यहाँ पर ऐसे इसको पार्ट कर दो और इसको भी ऐसे पार्ट कर दो, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो हो गया वो रिसीव्ड है, ये नॉट रिसीव्ड है। अब रिसीव्ड वाला और पेड वाला लेना है, तो अब हमको क्या निकालना है, नेट इनकम निकालना है। नेट इनकम के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, इनकम लेंगे। अब इनकम कौन कौन सी लेंगे, हमें कौन सी लेनी है, सिर्फ रिसीव्ड वाली। जो रिसीव्ड वाला कॉलम है, रिसीव्ड वाले कॉलम में जो भी अमाउंट है, जिसके साथ हमने ईयर मेंशन किया, ये इकट्ठा था, उसमें हमारे दो अलग अलग पार्ट कर दिए थे, तो आप ये भी ले लोगे और ये भी ले लोगे, या तो ये दोनों ले लो या फिर एक इकट्ठा टोटल ले लो, टोटल इनकम ले लो, आपकी च्वाइस है। क्योंकि मुझे क्या लेना है, रिसीव्ड वाले में सारा अमाउंट लेना है। देखो ये मैंने पार्टीशन किया है, पार्टीशन ऐसे मत कर देना कि जो भी सारा अमाउंट लिया आप ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, नहीं ऐसे नहीं। जहां पे आपने ईयर मेंशन किए वो सारे ले लोगे, रिसीव्ड वाले में, इसमें ईयर मेंशन है, इसमें ईयर मेंशन है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, तो ये दोनों ले लो, 2,25,000 और 15,000, 2,25,000 और 15,000, तो टोटल कितना आ गया भाई, 2,40,000। अब इसके साथ तो आप लिख लोगे, ये क्या था, इनकम रिसीव्ड था और ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था, वो हमने यहाँ पर पहले ऊपर लिख रखा है। तो अब उसमें से आप क्या कर दोगे, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी कौन से लेने हैं, पेड वाले। नोट पेड वाला कॉलम हमें नहीं लेना, एक्सपेंसेस में पेड में सारे ले लोगे, क्योंकि आपको पार्टीशन नहीं है, तो 180 भी और 20 भी, तो टोटल कितना हो गया, 180 प्लस 20, 2 लाख हो गया। तो यहाँ पे टोटल क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे 2 लाख रुपीज को। अब यहाँ पे 240 में से 2 लाख को माइनस करो तो आंसर क्या आ गया, 40,000 आपका क्या आ गया, नेट इनकम आ गया। अब आप इसके आगे तो अब लिख ही सकते हो, वो आपकी, इसमें मेरा मेन चीज था कि आपको समझाना था, ये अमाउंट किस चीज का था, इनकम रिसीव्ड का, ये वाला अमाउंट किसकी चीज का था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का, ये वाला अमाउंट किसका था, 2 लाख टोटल लिख दो, ये वाला क्या था, 180 आपने पे किया था और ये वाला नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे किया था, वो इसके आगे आप मेंशन कर दो आंसर। ज्यादातर क्वेश्चन आपका ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपका 3 मार्क में भी आ सकता है। अब ये तो हो गया कैश बेसिस से, अब नेक्स्ट हम करेंगे इसी को, चार्ट ऐसे ही बना रहेगा, एक्रुअल बेसिस से करेंगे और उसका रूल लिखेंगे। हमारा एक्रुअल बेसिस है, एक्रुअल बेसिस अपने इसमें हम आंसर निकालेंगे, इसका रूल क्या होता है। देखो इसका जो रूल होगा, इसका जो रूल होगा, आपको क्या लेना है, जहां जहां पर, बस एक ही चीज आपको याद रखनी है कि करंट ईयर, चाहे वो रिसीव वाला कॉलम हो, मतलब इनकम, जो इनकम होगी, और जो एक्सपेंसेस वाला कॉलम है, इनकम और एक्सपेंसेस वाले कॉलम में जहां जहां पर भी करंट ईयर लिखा है, CY करंट ईयर, एक्सपेंसेस में भी क्या लिखा है, CY करंट ईयर, बस वही वही वाला आपको अमाउंट उठा लेना है। बाकी कुछ भी आपको सिंपल, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है कि रूल क्या होगा, एक्रुअल बेसिस उसमें क्या था, कैश बेसिस में, कि रिसीव्ड और पेड वाला लेना था, नोट वाले कॉलम को नहीं देखना था। इसमें क्या है, पूरे चार्ट में, इनकम वाले पूरे चार्ट में और एक्सपेंसेस वाले, पहले इनकम वाले में लेंगे
और फिर एक्सपेंसेस जहां पे करंट ईयर लिखा है बस वही वाला उठाना है। तो अब सबसे पहले हम इनकम्स लेंगे, इनकम में, अब इनकम में पहले हम अमाउंट लेंगे, इनकम में जहां पे करंट ईयर लिखा है, देखो पूरे चार्ट में करंट ईयर कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर लिखा है ये हम नहीं लेंगे, ये करंट ईयर लिखा है ये ले लेंगे। तो मतलब कौन कौन सा अमाउंट आएगा, ये 2,25,000 और 12,000, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो इनकम कितनी आ जाएगी, 2,25,000 और दूसरा 12,000, तो इसको आप प्लस कर दो, ये आ गया हमारा इनकम वाला। अब ऐसी एक्सपेंसेस में जहां जहां पे करंट ईयर लिखा है वो वाला लेना है, तो इसमें से लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में कौन कौन से लेंगे, जहां पे करंट ईयर लिखा है, ये करंट ईयर लिखा है ये ले लेंगे, ये एन वाई नेक्स्ट ईयर, तो ये वाला अमाउंट नहीं लेंगे। पूरे चार्ट में आपको देखना है, ये नोट पेड वाले कॉलम में भी करंट ईयर लिखा है तो ये लेंगे, तो 180 और 10 टोटल कितना हो गया, 1,90,000, तो इसको आप क्या कर दोगे, 1,90,000 को आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो इसमें से आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47,000, जो आपकी आ गई नेट इनकम आ गई। अब आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको इस अमाउंट के आगे एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। ये जो 2,25,000 है आप ऐसे लिख से एक लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पे आप क्लीन क्लीन लिख लोगे इनकम रिसीव फॉर करंट ईयर, ये 12,000 है इनकम नॉट येट रिसीव्ड, अब वो आप एक्सप्लेन, ये जो हो जाएगी ये टोटल इनकम हो जाएगी, इसके आगे ये जो आ गया ये क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। अब ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, इसमें आप लिख दोगे एक्सपेंसेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर, अब आंसर आ जाएगा ये नेट इनकम। अब एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना कि किस चीज का क्या अमाउंट है।